यदि सत्य है, देखिए तीन शब्द है ना सच्चिदानंद में, सत्य चित्त और आनंद। बोले यदि ये सत्य होते तो फिर मनुष्य शरीर में क्यों आते, और यदि ये प्रकाश रूप होते तो ऐसे भटकते क्यों, और तीसरी तो बहुत ही गलत बात कह दी, आनंद घन कह दिया इनको। बोले यदि आनंद घन होते तो पत्नी के लिए क्यों रोते। बाबा की तरफ मैया ने देखा, पर बाबा तो एक अलग ही सुख में थे। बाबा की तरफ माँ ने देखा, पर बाबा भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। बाबा ने भगवान को देखा और एकदम आंखों में अश्रू आ गए। और जब किसी को बहुत आनंद होता है ना किसी को देखकर, हमारे यहाँ आपके यहाँ परंपरा है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए। आपका बच्चा बहुत सुंदर दिख रहा हो, नजर उतारते हैं ना, कैसे उतारते हैं। हाँ बस ये जब हुआ तो बाबा ने जो ही भगवान को देखा, बाबा ने तुरंत अपने दोनों हाथ लिए और आप विचार करिए, आप जब किसी बच्चे की नजर उतारते हैं तो आपको इतना सुख मिलता है, जब साक्षात श्री ठाकुर जी की नजर उतारेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। कभी करके देखिएगा, कभी करके देखिएगा, जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं ना, भगवान को बड़ा सुंदर सजाइए, किसी दिन गाल वाल पे डिठोना अठोना लगा दीजिए, और यहाँ वहाँ सब जगह डिठोना लगाइए, सुंदर पोशाक धराइए, सुंदर मुकुट धराइए, बिल्कुल ऐसे ठाकुर जी को तैयार करिए, और धीरे से एकांत में देखिए, पहले इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, और जब इधर उधर कोई नहीं देखेगा ना तो चुपचाप जाइए और ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे हैं ऐसा कह के इस भलैया ले लीजिए, कितना आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा, करके देखिए एक बार। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार राघो, तेरे बाल बड़े घुंघराले, आगे बोलिए, लगते हैं कारे कारे